नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव को समर्पित बाबा गोरखनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और प्राचीन कालीन अद्भुत इतिहास के बारे में। आखिर उत्तर प्रदेश का यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, चलिए जानते हैं दोस्तों। शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र, यहाँ सावन में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। हरिद्वार और कछला घाट से गंगा जल लाकर कांवड़ियाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। इस पौराणिक शिव मंदिर का इतिहास रामायण कांड से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ का पौराणिक शिव मंदिर शिव भक्तियों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग की स्थापना का प्रसंग रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने यहाँ मृग रूप में विचरण किया था। वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव वैराग्य उत्पन्न होने पर यहाँ के वन क्षेत्र में भ्रमण करते हुए रमणीय स्थल पाकर यहीं रम गए थे। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र को चिंता हुई और उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे, तो यहाँ वन में एक अद्भुत मृग को सोते हुए देख समझ गए कि यही शिव हैं। वे वैसे जैसे ही उनके निकट गए आहट पाकर मृग भागने लगा। पौराणिक प्रसंग के अनुसार देवताओं ने उनका पीछा कर उनके सींग पकड़ लिए, तो सींग तीन टुकड़े बट गए। सींग का मूल भगवान विष्णु ने यहाँ स्थापित किया, जो गोकर्ण नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सींग का दूसरा टुकड़ा ब्रह्मा जी ने बिहार संग्रेश्वर में स्थापित किया। यहाँ के महात्मा का वर्णन शिवपुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। गोला गोकर्ण नाथ को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।